मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था निवेश के लिए अनिवार्य शर्त है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में नजीर के रूप में ली जा रही है। गत 5 वर्षों में इस दिशा में जो कदम उठाए गए उसके अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। सुरक्षा का माहौल बना तो यूपी निवेशकों का पसंदीदा स्थान बन गया। शानदार कानून व्यवस्था के चलते उत्तर प्रदेश निवेश सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। यूपी में निवेशक भी सुरक्षित है और उनका पूंजी निवेश भी। सुरक्षा से निवेश होगा, निवेश से विकास होगा, लोगों को काम मिलेगा और सबके जीवन में खुशहाली आएगी। सीएम योगी रविवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में 143.69 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास व 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव देने वाले निवेशकों तथा रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के उद्यमियों के भूमि आवंटन पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण इसमें यूपी से स्वाभाविक तौर पर अपेक्षाएं अधिक होंगी। प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप हम अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में तभी सफल होंगे जब निवेश की गति निरंतर तेज होती रहेगी। सीएम योगी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अगले कुछ वर्षों में हमें उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का प्रदेश बनाना है। प्रदेश की 25 करोड़ जनता मिलकर पीएम की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ रही है। ऐसे में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में देर नहीं लगेगी। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार के पहले कार्यकाल में 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे गए हैं। इस सिलसिले को बढ़ाते हुए 3 जून को प्रदेश के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के साथ ही सरकार ने परंपरागत उद्यम को ODOP में शामिल कर तथा परंपरागत शिल्पकारों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलाकर लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश अनावश्यक मुद्दों से दूर रहकर विकास की नई आभा के साथ बुलंदियों को छूने को उतावला है। आप सब ने देखा कि कैसे श्री राम नवमी, हनुमत जयंती और ईद का पर्व यहां पूरी शांति के साथ संपन्न हुआ। सड़कें चलने के लिए होती हैं, आस्था के लिए धर्मस्थल है। इस संदेश से सड़कों पर धार्मिक गतिविधियां नहीं हुई। माइक लगाकर उपासना व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, इसे जबरन थोपा नहीं जा सकता। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश में 1 लाख से अधिक माइक या तो उतारे गए या उनकी आवाज कम की गई है। सीएम योगी ने कहा कि कभी माफिया और पिछड़ापन के चलते बदनाम रहा गोरखपुर विकास की नई कहानी लिख रहा है। यहाँ गीडा में उद्योगों के ढेर सारे प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गीडा को जैतपुर में कनेक्ट कर रहा है। लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाले औद्योगिक क्लस्टर से नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें अपने जनपद में ही रोजगार व नौकरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि गीडा की स्थापना 40 साल पहले हुई थी, लेकिन विकास भाजपा सरकार ने शुरू किया। माफिया का सफाया कर कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया। बुनियादी सुविधाओं को लेकर जो शिकायतें थी उसे दूर किया गया। गीडा में विकास को लेकर हुए और हो रहे बदलाव की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां गारमेंट क्लस्टर के साथ ही फ्लैटेड फैक्ट्री का भी अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री में एक के स्थान पर तमाम उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करेंगे। इससे हजारों नौजवानों व महिलाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ की ऊर्जा और पूंजी लाभ का इस्तेमाल अब यही हो सकेगा। इसी तरह गीडा में प्लास्टिक पार्क की योजना मूर्त रूप लेने जा रही है। IT पार्क के लिए भूमि आवंटन का कार्य आगे बढ़ चुका है। सीएम ने एम्स व खाद कारखाने से आए बदलाव का जिक्र भी अपने संबोधन में किया। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने गोरखपुर व बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की, उद्यमियों को अच्छा इंसेंटिव प्रदान किया। आज उसका परिणाम दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि गीडा क्षेत्र में औद्योगिक विकास के साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी उनकी सरकार का पूरा ध्यान है। उन्होंने कहा कि गीडा में प्रदूषण मुक्त उद्योग लगेंगे या उन्हें CTEP से जुड़ना होगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नदी में प्रदूषण न गिरने पाए। उन्होंने चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से अपील किया कि वह गीडा में प्रशासन के साथ मिलकर खाली जमीनों पर वृक्षारोपण कर क्षेत्र को विकसित करके
हरा भरा बनाने में भी योगदान दें। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गीडा के अलग अलग सेक्टर में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 143.69 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने 67.86 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण व 75.83 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सांसद रवि किशन, कमलेश पासवान, राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद, महापौर सीताराम जायसवाल, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला, विपिन सिंह, राजेश त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीईओ गीडा पवन अग्रवाल, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु अजीत सरिया, पूर्व अध्यक्ष एस के अग्रवाल समेत कई उद्यमी अधिकारी आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश सिंह एवं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, भविष्य के बाजारों के लिए कौशल विकास से लेकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हुए के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन के साथ लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को प्रदान करें स्वागत की कड़ी में अभी साथ ही समाज मंच पर आसीन श्री शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्य बहुत तेज करना पड़ा। पूरे प्रदेश में अलग अलग क्लस्टर के माध्यम से हम लोग औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं और जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए तय किया है वो है कि 10 लाख करोड़ का निवेश हमारे को उत्तर प्रदेश में अगले 5 साल में लाना है और उसी की कड़ी में आज का ये जो कार्यक्रम है ये प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं जाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ पे जो तो आपने मार्गदर्शन दिया है कि औद्योगिक क्षेत्रों को हमें सुदृढ़ करना है, उसमें जो सुविधाएँ हैं बेसिक सुविधाएँ उनका विकास करना है, उसमें लगभग 68 करोड़ के विकास काम पूरे हो गए हैं जिनका आज हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं और लगभग 76 करोड़ के काम है इसी गीडा क्षेत्र में जिनका शिलान्यास होना है। जो हमने यहाँ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं उसमें बड़े 6 उद्यमियों को और जिसमें से सबसे बड़ा निवेश 700 करोड़ का है, 1000 का रोजगार उनको मिलेगा और बाकी भी हमारे पास में कई इम्पोर्टेंट निवेशक इसमें आए हैं जिनको आज आपके माध्यम से हम अलॉटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एनवायरमेंट पार्क यहाँ पे विकसित किया गया है और उसमें 101 भूखंड सृजित हैं, उसमें 56 भूखंड आवंटित हो गए हैं और उसके कुछ आवंटियों को भी आज हम यहाँ पे पत्र वितरण करेंगे। फ्लैटिंग फैक्ट्री का भी यहाँ पे विकास होना है, उसमें 80 इकाइयाँ स्थापित हो सकेंगी और उसमें भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय से अंश भागीदारी भी की जाएगी, उसका भी हम लोग तेजी से विकास करेंगे। इसके अलावा प्लास्टिक पार्क है वो यहाँ पे और प्रस्तावित है और उसका भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है और जल्दी ही उसका कार्य यहाँ पे प्रारंभ होगा। इसके अलावा CETP की स्थापना होनी है और एक IT पार्क जो है वो विकसित हो रहा है जिससे IT क्षेत्र की जो इकाइयाँ हैं वो यहाँ पे आगे बढ़ सके। तो संक्षिप्त विवरण के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आए सभी अतिथियों का बहुत स्वागत करता हूँ। गोरक्षनाथ मंदिर के अधीश्वर हम सब के गौरव, भारत वर्ष के कैसे मुख्यमंत्री
इसपे समस्त भारत वर्ष को गर्व। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन हम चाहे मे को भैया हो जोरदार गड़गड़ा के ताली महाराज जी के स्वागत। ताली खातिर कि पूज्य महाराज जी जे कहलन उ कैलन, जे कहलन उ आज तक और आज ले पांच बेर के माननीय सांसद रहन पूज्य महाराज जी। कुल समस्या उनके मालूम रहे और कुल समस्या के जैसे उनके भगवान महादेव गोरक्षनाथ बाबा समय देलन, देवकुल जनता उनके मुख्यमंत्री बनौले, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिलल और वो निरंतर काम करते हुए इस उत्तर प्रदेश को बदलते गए और उसमें गोरखपुर कहीं पीछे नहीं छूटा। एक नया गोरखपुर, एक नया, जोर से बोला है को नया, और उस नए गोरखपुर में गीडा 2200 एकड़ की जमीन। काबा हम 2 मिनट में बोला बोकरे, पहले माननीय सांसद बांस गांव कमलेश पासवान जी के स्वागत बा, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत बा। सजनमा में 44,000 वोट से एक भारी, इस धरती पे कभी इतने वोट से कोई जीता नहीं, प्रदीप शुक्ला जी जीते हैं, एको गड़गड़ा के स्वागत। आज इन्हों बोली हैं महाराज जी के समक्ष। हमारे ग्रामीण के माननीय विधायक विपिन सिंह जी, हमारे अद्भुत मेयर साहब बैठल बाड़ा नेजा, दूरदृष्टि उनकर बहुत दूर तक बा, अधिकारी जो बड़ी मदद करते हैं, बहुत शार्प व्यक्ति हैं। इन्वेस्टर्स को लेके आज करीबन 1,000 करोड़ से ज्यादा निवेश होने वाला है 6 नई कंपनियों के साथ। बहुत बड़ा दिन है आज गोरखपुर के लिए, गीडा के लिए, सजनवा के लिए, धरती के लिए बहुत बड़ा दिन है। अभी पूज्य महाराज जी के साथ हम पीछे घूम रहे थे तो गैलेंट कंपनी से लेके, 9 कंपनी से लेके, अनगिनत कंपनी के जीन्स बनावता, के शॉर्ट्स बनावता, के सरिया बनावता, के इलेक्ट्रिक मोटर बाइक लेके आ गई, कि इलेक्ट्रिक मोटर बाइक भी ये सोचो गोरखपुर में हो रहा है, ये नोएडा में बंबई में नहीं हो रहा, ये गोरखपुर में हो रहा है, गीडा में हो रहा है। ये सोच जब निस्वार्थ होती है, एक वोट दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोबारा बहुमत की सरकार बनी, अब पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ लोग आराम करें ना, कुछ लोग सोचे ना तनी मुख्यमंत्री का आनंद ले, एयर कंडीशन में बैठी, महाराज जी निकल गए, एक दिन आराम नहीं किया, निरंतर कि अब नया खा दे दे, कल वहां पे सड़क बात और नाली बात और जल जमाव नहीं हुई, तही बनी तहू बनी, फर्टिलाइजर बन गई, एम्स बन गई, अब गीडा को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि कई हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है आज, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। कई हजार लोगों को, गोरखपुर वासियों को, सहजनवा वासियों को, गीडा के आसपास के गरीब गुरबा जितने भी हैं, मजदूर वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, सब लोगों को यही नौकरी मिलेगी, सेटअप लगेगा, फैक्ट्री लगेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, ये जितने लोग आ रहे हैं, काम हमारे घर के बच्चों को मिलेगा, काम हमारे गरीब परिवार को मिलेगा, काम गोरखपुर को मिलेगा, पैसा यही आएगा। बाहर की पूरे भारत की कंपनी गीडा में आ रही है, गोरखपुर में आ रही है, रोजगार हम लोगों को दे रही है। धन्यवाद महाराज जी। देश कैसे उज्जवल हो, सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, मंदिर भी बन रहा है तो गीडा में फैक्ट्रीज भी बन रही है, सड़कें भी बन रही है तो अस्पताल भी बन रहे हैं। ना कहीं महाराज जी के लिए हमके 2-4 घंटा पूरा दिन लग जाए इनके काम को गिनवाते हुए। आज तक का या अपने क्षेत्र का, जहां उनका गांव है उसी का उन्होंने विकास किया, ये महाराज जी की सोच है। हम लोग धन्य है कि हम लोगों को पूज्य महाराज जी के रूप में मुख्यमंत्री मिले, गरीबों का कल्याण होता रहे, सबको रोजगार मिले। इसी के साथ हम अपनी वाणी के समाप्त करब, लेकिन दोनों हाथ सब लोग उठ जाएंगे, चाहे माई बही बाबा। परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 75.83 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास अपने कर्तव्य में।
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गठबंधन से गीडा के विस्तर क्षेत्र में 67.86 करोड़ की परियोजना आवंटित क्षेत्रफल में 1.80 करोड़ का उन्हें उनके परमीटर के क्षेत्रफल में उनके आवेदन पत्र को और 20 करोड़ रुपए का निवारण डॉक्टर आर ए अग्रवाल जी से विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही एक नई
नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल हो सके, इससे निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पर उन सभी निवेशक और उद्यमियों को जिन्होंने गोरखपुर के गीड़ा जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में निवेश के लिए चुना और आज यहाँ पर वे लोग निवेश के भूमि आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए के से अधिक का निवेश गोरखपुर में होगा और 2500 से अधिक नौजवानों को यहाँ पर सीधे सीधे नौकरी और रोजगार उपलब्ध होगा। मैं इसके लिए निवेशकों करके से धन्यवाद देते हुए आप सभी को गोरखपुर के नौजवानों को पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इसके लिए बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका के रूप में स्थापित करने के लिए आगामी कुछ वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में हमें प्रयास करना होगा और इसके लिए निवेश आवश्यक है और निवेश की जो बुनियादी शर्त होती है वह है सबसे पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति। आज भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर के रूप में ली जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो कदम बढ़ाए आज उसके अपेक्षित परिणाम पूरे देश के सामने आ रहे हैं। और अभी हाल ही में जो कुछ भी हुआ आप सबके सामने हुआ, आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रामनवमी, भगवत जयंती और ईद के अवसर पर पूरी तरह शांति और सौहार्द का वातावरण रहा। हर व्यक्ति ने विकास की योजनाओं पर ध्यान देना प्रारंभ किया, अनावश्यक मुद्दों से अपने आप को दूर रखा। दूसरा ऐतिहासिक कार्य उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया, शासन ने अपेक्षा रखी कि सड़कें चलने के लिए होनी चाहिए, आस्था के स्तर धर्मस्तर होते हैं, सड़क नहीं हो सकती और सड़क पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां इस दौरान नहीं हुई है, यह भी एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के नाम पर। तीसरा, आपने देखा होगा कि तमाम लोग धर्मस्थलों पर माइक लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त करते थे, ये हर एक की आस्था हो सकती है लेकिन आस्था व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, हम अपनी आस्था को किसी पर जबरन नहीं थोप सकते। और इस दिशा में सरकार ने तय किया कि किसी भी धर्मस्थल पर माइक की ध्वनि उसके परिसर के बाहर नहीं आना चाहिए। 1 लाख से भी माइक या तो धर्मस्थलों से उतरे हैं या उनकी आवाज धीमी हो गई है और वे परिसर तक सीमित हो गए। ये सभी चीजें बता दी हैं। उत्तर प्रदेश विकास की एक नई आभा के साथ विकास की नई बुलंदियों को छूने के लिए उतावला दिखाई देता और ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश की पूरी टीम मिलकर के काम करेगी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता का सहयोग अगर एक साथ मिलकर के शासन के साथ प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ मिलेगा तो भाइयों बहनों हम लोग प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हमें बहुत देर नहीं लगेगी, यह कार्य हम लोग बहुत शीघ्र इसको हम लोग प्राप्त करने में सफल होंगे। आज गीड़ा का एक कार्यक्रम इस देश से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, गोरखपुर विकास की आज एक नई कहानी लिख रहा है, गीड़ा विकास की अपने एक नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है, ढेर सारे निवेश के प्रस्ताव गोरखपुर को प्राप्त हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जो लिंक वे है वह गोरखपुर को इसी गीड़ा में जयपुर के साथ जोड़ रहा है और गीड़ा के विस्तार के कार्यक्रम को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। गीड़ा का विस्तार हो, गीड़ा विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे, यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवान को उत्तर प्रदेश के बाहर
नौकरी और रोजगार के लिए न जाना पड़े, बल्कि उत्तर प्रदेश के नौजवान को गोरखपुर में ही या अपने क्षेत्र में ही अपने जनपद में ही उसे नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो सके। और इसके लिए जगह जगह औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। और गीड़ा तो आज से 40 साल पहले बना था, लेकिन बनने के बाद इसमें विवाद खड़ा हो गया था। जब 1997-98 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी थी, उस समय हम लोगों ने उस समस्या का समाधान किया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उद्यमी गोरखपुर में, जो गोरखपुर कभी बदनाम हुआ करता था माफिया के कारण, आज माफिया का सफाया हो गया है। आज गोरखपुर विकास की कई मंजिलों को छूता हुआ दिखाई देता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा नौजवान अपने ही जनपद में नौकरी और रोजगार प्राप्त कर सके, और इसी दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। चाहे वह यहाँ पर गारमेंट क्लस्टर के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास हो, या फिर यहाँ पर जो आज भूखंड आवंटित किए गए हैं गारमेंट पार्क के लिए, इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो प्लेटेड फैक्ट्री के गारमेंट रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक नया हम लोग अभिनव प्रयोग करने के लिए लेके आए हैं। और मुझे विश्वास है कि जो व्यापक संभावना है यहाँ पर, अभी से कुछ उद्यमी में देख रहा था, जो गीड़ा में उद्योग लगे हैं, जिन लोगों ने निवेश किया है, वे क्या क्या कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत नजदीक से यहाँ पर लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से देखा। रेडीमेड गारमेंट का कार्य कितना अच्छा हो सकता है, उसकी मार्केटिंग कितनी अच्छी हो सकती है, यहाँ पर पहले से लगे हुए उद्यम इस बात को प्रमाणित करते हैं। और जब प्लेटेड फैक्ट्री की परियोजना कार्य रूप लेगी, तो एक ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर तमाम रेडीमेड गारमेंट्स के उद्यम लगेंगे, उसमें निवेश होगा, हजारों नौजवानों को, महिलाओं को यहीं पर रोजगार प्राप्त होगा, और वहीं से विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश को देंगे, गोरखपुर को देंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश को देंगे। और उनके द्वारा जो पूंजी कमाई जाएगी, उसका उपयोग भी हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में करने में सफल होंगे। प्लास्टिक पार्क की परियोजना भी यहाँ पर मूर्त रूप लेने जा रही है। उसके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई अंतिम चरण में चल रही है। ऐसे ही अन्य तमाम परियोजनाएं यहाँ पर हम लोग लागू करने जा रहे हैं। खासतौर पर आईटी पार्क के निर्माण की कार्रवाई भी यहाँ पर पूरी तरह आगे बढ़ रही है। उसके लिए भूमि आवंटन का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। लगे हुए उद्योगों को या तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के माध्यम से वे लोग पॉल्यूशन फ्री उद्यम होंगे, या फिर गीड़ा के साथ मिलकर के यहाँ पर सीटीबी का निर्माण करके नदी में कहीं भी कोई भी प्रदूषण न गिरे और हमारी नदियां भी स्वच्छ और सुंदर बनी रहे। लेकिन साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ एक पूरा क्षेत्र जुड़ करके हम एक नई ऊंचाइयों की ओर गोरखपुर को लेकर जा सके, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले भी अपने पहले कार्यकाल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया था। परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की नीति को प्रदेश के अंदर लागू करके परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी डिजाइनिंग, उनकी मार्केटिंग, उनकी ब्रांडिंग और उसे हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए जिससे परंपरागत उद्यम के माध्यम से प्रदेश के लाखों नौजवानों के जीवन में खुशहाली ला सके, यह कार्यक्रम यहाँ पर पहले ही लागू किया जा चुका है और वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अपने परंपरागत हस्तशिल्पियों के कल्याण के लिए भी विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि रेडीमेड गारमेंट पार्क हो या फिर प्लेटेड फैक्ट्री के कार्यक्रम के लिए भूमि आवंटन की कार्रवाई, ये सभी स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं।
प्लास्टिक पार्क के माध्यम से एक ही स्थान पर प्लास्टिक से बनने वाली अलग अलग आइटम को हम यही प्रस्तावित करके यहाँ के बड़े मार्केट को उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर या आसपास के जितने भी जनपद हैं, इन जनपदों का मतलब केवल एक जनपद नहीं होता है बल्कि एक बड़ी आबादी, लगभग 5 से 6 करोड़ की वह आबादी होती है। और उसके साथ ही बिहार और नेपाल की भी एक बड़ी आबादी अपने मार्केट के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए गोरखपुर पे निर्भर करती है, आसपास के जनपदों पे निर्भर करती है। विकास की इस प्रक्रिया के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और इसीलिए आज गोरखपुर में आप देख रहे होंगे, पहले एक मात्र बिहारी मेडिकल कॉलेज था, आज बिहारी मेडिकल कॉलेज अपने नए रूप में तो आ चुका है लेकिन गोरखपुर में एम्स का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो चुका है। एम्स और गोरखपुर ने अपनी सेवा देना प्रारंभ कर दिया है। पहले यहाँ पर फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था, आज गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना फिर से नए सिरे से उर्वरक का उत्पादन कर रहा है और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के कई राज्यों को उर्वरक की सप्लाई गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना ही वर्तमान में करना प्रारंभ कर दिया है। पिपराइच में लगी हुई चीनी मिल हो या फिर गोरखपुर में पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम ये युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे ही आग्रह करूंगा कि जब केंद्र और प्रदेश सरकार विकास और रोजगार को ध्यान में रखकर के अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है उन स्थितियों में हम भी एक सकारात्मक भाव के साथ विकास की परियोजनाओं के साथ आगे जुड़ते हैं तो इसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आएंगे, विकास भी होगा, हर नौजवान के हाथ को काम भी मिलेगा और उसके जीवन में इसके माध्यम से खुशहाली आएगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और नित्य नई परियोजनाओं के माध्यम से ढेर सारा रोजगार भी यहाँ पर उपलब्ध होने में मदद मिलेगी। आज यहाँ पर ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, खासतौर पर जिन उद्यमियों ने क्रीड़ा के अंदर अपना निवेश किया उनकी एक शिकायत हुआ करती थी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। आज क्रीड़ा प्रशासन ने उन बुनियादी सुविधाओं को यहाँ पर देना प्रारंभ किया है, युद्ध स्तर पर कार्य यहाँ प्रारंभ हुआ है, अच्छी सड़कें बन रही है, जल निकासी की व्यवस्था हो रही है, जितने भी उद्यमी यहाँ पर है खासतौर पर चेम्बर ऑफ ट्रेडर से मैं कहूंगा, चेम्बर ऑफ कॉमर्स से मैं कहूंगा या चेम्बर ऑफ इंडस्ट्री से मैं कहूंगा, हमारा प्रयास हो कि गीड़ा प्रशासन के साथ मिलकर के इस पूरा गीड़ा क्षेत्र में जितनी भी खाली लैंड है अधिक से अधिक हम लोग वृक्षारोपण के कार्यक्रम को करके इसको न केवल बुनियादी सुविधाएं हो बल्कि इसको हरा भरा बनाने में भी अपना योगदान दे जिससे यह क्षेत्र अपने आप में एक आध्यात्मिक और विकास का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। और उस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। मैं एक बार फिर से सभी निवेशकों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि अभी निवेश का एक बड़ा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में 3 जून को प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों से प्रारंभ होने जा रहा है। लगभग 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों से लखनऊ में होगा। मैं यहाँ के प्रमुख उद्यमियों को भी उसके लिए आमंत्रित करूंगा कि वे लोग भी इस कार्यक्रम में भागीदार बने, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करें। शासन की पॉलिसी है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में विशेष पैकेज ऑफ सब्सिडी भी हम लोग इसके लिए दे रहे हैं तो सरकार की सेक्टोरियल पॉलिसी का ध्यान में रखते हुए वे अगर निवेश करते हैं अच्छा इंसेंटिव भी मिलेगा, अच्छा मार्केट भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश में निवेश का मतलब सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी अगर कहीं हो सकती है तो आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में हो सकती है तो सुरक्षा की जिससे भी उनकी पूंजी भी सुरक्षित रहेगी, वे भी सुरक्षित रहेंगे और उत्तर प्रदेश विकास के इन निवेश के माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, अपने नौजवानों को अपने गांव और अपने घर में ही रोजगार देने में सफल होगा
और हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में एक समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं जिन आवंटियों ने यहाँ पर निवेश के प्रस्ताव दिए हैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उन सभी को हृदय से बधाई देता हूँ जो उद्यमी यहाँ पहले से निवेश किए हैं। शासन के नियमों के मुताबिक वे लोग यहाँ पर उद्यम का संचालन करने और कीड़ा को हरा भरा रखने में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ हम स्थानीय नौजवानों के लिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए और कोई भी नौजवान जो प्रतिभाशाली नौजवान है उसे नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बधाई और शुभकामनाएं सभी निवेशकों को और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने नौजवानों को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज मैं पूज्य महाराज जी के धन्यवाद मैं दूंगा कि हजारों हजारों बच्चे जो हमारे यहाँ गरीब गुरबा परिवार के हैं, हमारे एक परिवार के बच्चों को गीडा में नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, गोरखपुर के बच्चों को रोजगार मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां ने आज करीबन 1,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश किया, उन सभी कंपनियों को साधुवाद। और गोरखपुर को लोग एक बहुत बड़ा हब देख रहे हैं, आने वाले समय में इसको नोएडा बनाया जा रहा है। तो अगर गोरखपुर का नोएडा कोई है वो गीडा है, और मैं इसके लिए पूज्य महाराज जी की दूरदृष्टि को यशस्वी प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पे चलते हुए मैं उनका रुक जाओ बतियावत है तो उनको पूरा मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितने फायदा मिलेगा? हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। परिवार हमारे साथ हमारे सीनियर नेता हैं रमेश सिंह जी, बतावा हो। अरे बोला ना, बोल कि हम सब यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ के लोगों को, गोरखपुर के लोगों के आसपास के लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा। महाराज जी की महत्वाकांक्षी परियोजना में सब लोग पूरे इलाके में सब में खुशी व्याप्त है।